टोटल लोकल यूनिट बनो पुरहान वर्न जीरो पे शुरहान वर्न मैं त्रेन अरबन रुपये प्रॉपर्टी ये जमा ये दर कनाल जमीन अस मुंतकी सकूल ये मज तकरीबन अख सा बच पान यहां यह गड़ शानदार सकूल बन साउथ कश्मीर मन क्या आमदनी तफी गम कर जिठो यमो दर कनाल दुहन लक्षस रुपये इम दर कनाल विकस दु करोड़ रुपये इन वाले तुम तुल मसल ये गोडे यह बिल्कुल हकीकत आतिया वरी गई इतिया वरियो बाद परसों पर डॉक्टर साहब की हिदायत पे यहाँ पे 8 काम हुए हैं मस्जिद शरीफ और यहाँ पे उसमें छोटे बड़े काम हैं और उनमें अभी तक 19 लाख रुपए खर्च किए गए हैं ऑलरेडी और उससे पहले आप देखेंगे 15-20 साल का आप उठा के देखें तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ नजर आएगा तो देश ऑलरेडी डॉक्टर साहब दिस ऑलरेडी डायरेक्शन अंदर कहेंगे इनसाइड आउटसाइड पैनलिंग है जियारत शरीफ मैटिंग उसका भी मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा वो इन्होंने आते ही हिदायत दे दी तो बे की कंस्ट्रक्शन है जियारत शरीफ छोटे छोटे जो भी काम होंगे वो इन्होंने ऑलरेडी उसके लिए इंजन साहब को भी और मुझे भी डायरेक्शन ऑलरेडी उसके लिए गई है स्कूल का जो मसला है अशो आसन डॉक्टर साहब जब से आई है इन्होंने एक उसूल एक बनाया हुआ है कि इस यूनिटस एक स्पॉन्सर छ इवन सुबह तो इस यूनिटस खारिज कर सुन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के जियारत भी हुई मंतकी साहब के दरगाह आलिया में और जो कमेटी के हेड ने यहाँ पे बातें कही कि ये जमीन खरीदी हुई है आप सबों ने देखा होगा जब हमने चार्ज संभाला तो हमने पहली बात की कि ये यूनिवर्सिटी ये जमीन वक्फ की है जैसे कि आपने खुद बताया क्योंकि ये डोनेटेड लैंड भी नहीं है बल्कि वक्फ के पैसे से खरीदा हुआ लैंड है आप लोगों ने उस वक्त खरीदा है लेकिन वक्फ का पैसा रहा है वक्फ के पैसे से ये जमीन खरीदी गई है बहुत एप्रिशिएबल है उसके बाद जो जोमा रहे हैं उन्होंने इस जमीन का किस तरह से इस्तेमाल किया और वक्फ बोर्ड से भी उस वक्त करोड़ों रुपया लिया गया है जो इस यूनिवर्सिटी में लगा लेकिन बाद में इस यूनिवर्सिटी का फायदा वक्फ को नहीं मिला जैसा कि आपने खुद बता दिया क्या यहाँ के लोगों को इसका फायदा है वो आप बेहतर जानते होंगे लेकिन वक्फ की जमीन जो इस के पास है इस यूनिवर्सिटी के पास है हमने पहले भी डीसी साहब से बात की हुई थी क्योंकि तब हमें इस हकीकत का पूरी तरह से इल्म नहीं था कि ये जमीन आपने खरीदी हुई है यहाँ के कमेटी ने वक्त के पैसे से ये जमीन खरीदी हुई है चलिए यूनिवर्सिटी बनी लेकिन अफसोस की बात है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इस यूनिवर्सिटी का नाम मंतकी यूनिवर्सिटी नहीं रखा अगर मंतकी साहब के दरगाह आलिया से पैसा गया उस जमीन पे मंतकी साहब के नाम से ही यूनिवर्सिटी होती तो ज्यादा बेहतर था वक्फ के अंडर होती ज्यादा बेहतर था रही बात कि अभी भी आपने जो बातें यहाँ पे की आप यहाँ के लोग हैं आप लोगों के सामने उनके साथ क्या उस वक्त आपके डीड्स हुए होंगे क्या रहा होगा उस सरकार के साथ हम कागज देखेंगे इंशाल्लाह रहमान उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है लेकिन वो हमने डीसी साहब से पहले भी बात की हुई थी हम सारे गए लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हमारा स्कूल जो चल रहा है हम आपको बताते चले बात करना बहुत आसान होता है जब हम आए तब यहाँ के मुलाजमीन के लिए कोई तनख्वाह भी नहीं थी और जैसे कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने बता दिया कि हमने पहले ही बताया है कि
कि जो जो इदारा होगा वो इदारा उस स्कूल को भी चलाएगा, या जो वहां पे गिर्दो नवा में जो चीजें होंगी वो वही चलाएगा। क्योंकि दस्तगीर साहब के अपने मसाइल और मसले हैं, हजरत सुल्तानुल आरिफीन के दरगाह के अपने मसले और मसाइल हैं, सारी शरीफ के अपने मसले और मसाइल हैं, वहां का पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, ना वहां का पैसा स्कूल में हम दे देंगे, जो भी पैसा होगा वो यहाँ पर ही होगा, यहाँ के तामीरों तरक्की पे लगेगा, और जो मुलाजिम है मुलाजिमों पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। हमारे जो वक्फ असल में चलाने वाले मुलाजिम हैं, यानी दरगाहों पे जो मुलाजिम है उन पे उतना पैसा खर्च नहीं होता है, जो हमें टीचर्स पे खर्च होता है, जो हमें एजुकेशन पे खर्चा होता है वो करोड़ों में है और हम करोड़ों के लॉस में है। ऐसा वक्त था जब हमने चारे संभाला, स्कूल बंद करने के कगार पे थे, क्योंकि हमें आंखें खोल के बात करनी होती है, दिमाग और दिल से बात करनी होती है कि हम पैसा लाएंगे तो लाएंगे कहां से, ये डोनेटेड पैसा है, ये ज़ियारतों का पैसा है, ये इसमें खर्च भी करना है और आपका स्कूल भी चलाना है। हम उतना ही करेंगे कि जितना हमारे पास चादर होगी, उससे ज्यादा करेंगे तो वक्फ बोर्ड को बंद करना पड़ेगा, स्कूल को बंद करना पड़ेगा, लेकिन हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान जब तक हम हैं। लेकिन हम सबों को एक राय, जैसे यहाँ पे आपने बता दिया, हमने एक राय कायम करनी है कि हमने वक्फ को आगे बढ़ाना है। मगर अब आप सोचेंगे कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन का पैसा यहाँ लगेगा, वो पॉसिबल नहीं। अब आप सोचेंगे कि बाकी दरगाहों का पैसा, क्योंकि हमारे पास और कोई मसाइल नहीं है, सरकार की तरफ से हमें कोई ग्रांट नहीं है।